स्टार्ट। हाँ प्यारे बच्चों, मैं गणेश सर क्लास टू में आज हिंदी पढ़ा रहा हूँ। एक इस पार्ट दो है, इसका पार्ट चैप्टर का नाम है लोहार की कार्य कुशलता। लोहार की कार्य कुशलता, तो बच्चे आप लोग लोहार जानते होंगे, लोहार किसे कहते हैं, और कार्य कुशलता भी आप लोग को मालूम हो गया होगा। तो लोहार वह होता है जो लोहे से औजार बनाता है, और कार्य कुशलता ये जो काम करते थे, अपने काम में कुशल थे, मतलब बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके बनाते थे, जिसको बोलते हैं कार्य कुशलता। लोग ठेला ठेकल से काम करता है, जैसे जैसे कर देता है वैसे जैसे सामान भी बनता है। लेकिन ये जो इस लोहार की जो कार्य कुशलता है, ये बहुत मेहनत करते थे, अच्छा से बनाते थे, ईमानदारी पूर्वक बनाते थे, खराब नहीं बनाते थे, घटिया नहीं बनाते थे, जो सामान अधिक टिकाऊ होता था। तो प्यारे बच्चों, इस लोहार का नाम है रामदीन, इसका नाम है रामदीन, जो लोहे से औजार बनाकर बेचता था। बहुत ही ईमानदारी पूर्वक बनाते थे, अच्छा से मेहनत करता था, इसका सामान तरह तरह जगह जगह पर बिकने लगा। बिकते बिकते अमीर आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन गया। तो बड़ा आदमी बनने के बाद इसका घर में चोर आ गया, और चोरों ने आकर के इसका सामान चोरी करके ले गया। तो चोरी करके जब ले गया और इसे एक जंजीर में बांध कर रात को इसे कुएं में फेंक दिया, लोहे का सिक्का में बांध कर फेंक दिया। फेंकने के बाद ये रात भर कुआं में ही रहा। जैसे ही सुबह हुआ, इसने जिस जंजीर पर बांधा था, उस जंजीर इसने ही बनाया था। तो इसने ही बनाया था, तो देखते इसका देख कर बिजली जैसा कौन गया, करीब आप ये तो जिस जंजीर पर मुझे हाथ पर जकड़ कर रखा है, कुआं में बांध दिया है, ये रात को दिखा नहीं, सुबह होते ही दिखा कि एक जंजीर मेरा ही बनाया हुआ है। तो उसने एक चीन छोड़ देता था, वो जंजीर में जो बनाता था कोई भी लोहे का औजार, उसमें एक चीन दे देता था। चीन का अर्थ होता है बच्चे पहचान, ये मैंने ही बनाया। जैसे मेड इन इंडिया लिखा रहता है, मेड इन चाइना कोई चीज में लिखा रहता है, ठीक उसी तरह ये जो रामदीन बनाता था, एक चीन छोड़ देता था, तीर की तरह एरो का निशान, वो देखते ही पहचान गया कि जंजीर मैंने ही बनाया। वो जान गया कि अब मैं खोल सकता हूँ, ये चीज को देखकर पहचान लिया, और जानता था कि जब मैं बनाता हूँ तो उसको मैं खोलने का भी तरीका जानता था। बस उसको रगड़ना शुरू किया, रगड़ते रगड़ते वो बेड़िया खुल गया। खुलने के बाद एक कुएं से बाहर निकल गया, बाहर निकला तो ये जान गया कि अब मैं बच सकता हूँ, मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि ये मेहनत जो मैंने किया वो मेहनत बेकार नहीं गया। इसलिए बच्चे कहा गया है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है, तो लिखा हुआ मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। वो जो ईमानदार पूर्वक जो काम करता था, आज वो अपना चीन छोड़ा था, वो चीन को जान कर पहचान लिया, ये चीन मुझे बचा लेगा, और वह आसानी से खोल लिया, खोल कर से बाहर आ गया और अच्छी तरह से रहने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में कार्य कुशलता और मेहनत की बातें कही गई है, तो इसलिए कहा गया कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। केवल लोहार का ही मेहनत नहीं, हर चीज का मेहनत। बच्चे आप लोग जो पढ़ रहे हो, वो मेहनत है, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। कोई फेल धकल से पढ़ता है तो वह पढ़ाई बेकार चला जाएगा, यानी मन लगाकर अगर पढ़िएगा तो पढ़ाई आपका कभी न कभी जरूर काम देगा। इसलिए कहा गया है कार्य कुशलता, यानी जिस काम को आप करते हैं उसको ईमानदारी पूर्वक कार्य कुशल से करें, ताकि याद हो जाए। केवल रीडिंग देने से नहीं होगा, उस पाठ को समझें, पढ़ें, ध्यान लगाएं, तो आपका एक दिन वह जरूर काम आएगा, वह बेकार नहीं जाएगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ का प्रश्न उत्तर पीडीएफ में सब उत्तर डाल दिए हैं, आप लोग देख कर उसको लिखें, पढ़ें और याद करें, और सारे प्रश्न उत्तर मैंने डाल दिया, वह देख करके आप लोग बनाएगा और बना करके भेजिएगा, ताकि मैं समझूँगा कि हाँ आप लोग याद कर रहे हैं। धन्यवाद।